हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमेन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मारुति 800 के CVXL बूट फ्रंट व्हील के कैसे चेंज किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए एक तो आपके पास जैक होना आवश्यक है, और इसके बाद एक व्हील खोलने के लिए एक व्हील पाना चाहिए, और इसके बाद आपके पास 30 नंबर का एक बूटी पाना चाहिए, और इसके बाद एक ऐसा नोच वाला जो सिर क्लिप प्लस बोलते हैं ये चाहिए, और इसके बाद एक सादा वाला प्लस चाहिए, एक आपके पास कोई भी ऐसा लंबा वाला डिसमिस हो स्क्रू ड्राइवर चाहिए, एक हैमर चाहिए, इतना टूल्स आपको जरूरी है इसमें। तो दोस्तों, एक्सल बूट चेंज करने के लिए हमें व्हील से एक्सल बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है कि 30 नंबर का एक व्हील का बोल्ट होता है, ये निकालना पड़ता है। तो इसके लिए कि यहाँ पे पिन होती, कहीं में खिल भी होती, तो ये हमें पहले प्लस से इसको सीधा करके निकाल लेना है। इसके बाद इस 30 नंबर के बोल्ट को लूज करके निकाल लेना है, और इसके बाद इस चारों स्टड को भी निकाल लेना है। तो स्टड को निकालने से पहले आपको व्हील को नीचे ही रखना है, इसमें जैक नहीं लगाना है ताकि व्हील आपका घूमे नहीं। तो चलिए ये निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, 30 नंबर का गोटी पाना लगा के हमें ये बोल्ट खोल लेना है, और इसका एक वॉशर होता है वो भी आपको संभाल के रख देना है। इसके बाद व्हील के सारे स्टड को लूज कर लेना है। तो दोस्तों, जैक आपको लगाना है, जो हमारा एंटी रोल बार होता है ये, इसका जो यहाँ पर क्लिप होता है इसके नीचे लगा लेना है। और जैक लगाने के बाद हो सके तो आपका ये जो टायर है इसको यहाँ पे नीचे साइड में रख दे, ताकि जैक फिसल भी जाए तो आपको कुछ होगा नहीं और आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। एक्सल बोल्ट चेंज करने के लिए हमने यहाँ से व्हील को छुड़वा लिया है, और इसके बाद दोस्तों, जो सस्पेंशन का 2 बोल्ट है 17 नंबर का, तो जो ये ऊपर वाला बोल्ट है इसको हमें पहले पूरा बाहर निकाल लेना है, और नीचे का जो ये वाला बोल्ट है इसको सिर्फ लूज करना है। और इसके बाद जो हमारा स्टीयरिंग का टायर रोड जुल्ट पॉइंट होता है इसको भी हमें निकाल लेना। तो इसमें यहाँ पे एक पिन लगा रहता है, इस पिन को छुड़वाने के बाद जैसे आप इस बोल्ट को निकालोगे, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि ज्यादा गाड़ी पुराना होने की वजह से और ज्यादा टाइम इसको खोले नहीं है आप, तो ये थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, कोई लकड़े का गुटका है तो कुछ लकड़े का छोटा कटका है लेके इसको आप दोनों तरफ से थोड़ी से जैसे ही आप आगे पीछे करेंगे तो ये अपने आप लूज हो जाएगा। अगर हो सकता है तो इसके ऊपर आप DW स्प्रे जो है उसको कर लीजिएगा, और इसके बाद इसको खोलने के बाद जैसे ही आपको इसके ऊपर कुछ लकड़े का है तो ऐसे ही हैमर से आप ठोकेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा नकल है इसको निकालने के लिए बोल्ट जैसे हम निकाल देंगे और इसके जैसे ही हमको नकल को बाहर खींचेंगे तो ये एक्सल जो आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ से अभी वापस जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अंदर पीछे हट जाएगा और नकल जैसे ही थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, इसके बाद एक्सल आप निकाल सकते हो। और उसके लिए दोस्तों, डिप्रेशन से एक्सल को छुड़ाने के लिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सस्पेंशन का ऊपर का जो 17 नंबर का बोल्ट है हमने निकाल दिया है, और इसके बाद दोस्तों नकल को हमें हमारी तरफ खींचना है। और खींचते टाइम दोस्तों, आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर है तो कोई ऐसा रिंच है, टी रिंच है, कोई भी है जो इसके अंदर आसानी से अंदर आ सके, तो इससे क्या करना है, एक्सल को हमें यहाँ से पुश करते रहना है। पुश करने के टाइम दोस्तों इसको नकल को हमारी तरफ खींचना है। थोड़ा हार्ड हो सकता है, पक्का निकल जाएगा, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हार्ड नहीं होने देना है तो ये बोल्ट को भी आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो आसानी से आपका नकल बाहर आ जाएगा और एक्सल अंदर की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ डिप्रेशन के पास ही हमारा एक्सल है, आप देख सकते हैं ये जो है हमारा एक्सल है। तो इसको क्या करना है, आपके पास हो कोई भी स्क्रू ड्राइवर हो, इसकी मदद से जैसे ही आप इसके अंदर डिसमिस को लेके आपको क्या करना है कि बाहर की तरफ इसको पुश करना है। जैसे ही बाहर की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ डिप्रेशन से एक्सल छूट जाएगा। इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बिल्कुल हमारा सस्पेंशन है, इसके पीछे ही साइड में ये हमारा जो है यहाँ पे एक्सल होता है। तो यहाँ से इसको जैसे ही हमारी तरफ पुश करेंगे बाहर की तरफ में, तो यहाँ से ये अपने आप छूट जाएगा। और छोड़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सल है, यहाँ पे निकला हुआ पड़ा है। और इसके बाद दोस्तों कुछ करना नहीं है, हाथ से जैसे आप यहाँ से खींचेंगे अंदर की तरफ तो ये आप देख सकते हैं बाहर आ गया है, ये एक्सल है।
और इस तरफ का जो बूट है बिल्कुल अभी इतना खराब नहीं है, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो इसको भी बदल देंगे। और ये तो आप देख ही सकते हैं पूरा बूट अब टूट चुका है, तो इसको हम बूट को चेंज करेंगे। बूट बदलने के लिए दोस्तों आपको पहले क्या करना होगा कि इसका जो ये जूनियन क्लिप है बूट का, इसको उतारना होगा। अगर ये जूनियन क्लिप ठीक है तो आप नया क्लिप मत लगाइए, अगर ये क्लिप आपका टूट गया है तभी आप दूसरी क्लिप का या तो टाई बेल्ट का उपयोग करें, वरना रहने दें, क्योंकि जूनियन ही होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों तरफ से पट्टी को खोलने के बाद ये अपने आप लॉक निकल जाता है। इस प्रकार से लॉक को निकालने के बाद हल्के पास पेचकस से तो इसको थोड़ा सा लूज कर ले, और लूज करने के बाद ये आसानी से उतर जाएगा। तो इस प्रकार से, और ये सही है तो दोस्तों इसका ही उपयोग करें, टाई बेल्ट केबल टाई का उपयोग कतई मत करें। अगर आपके पास खराब हो गया तभी इसका उपयोग करें, वरना रहने दें, इसी का ही उपयोग करें। और ये भी देख सकते हैं जूनियन है, तो इसका ही उपयोग हम करेंगे। तो बूट सारे उतारने के बाद बस बिल्कुल इसमें कुछ है नहीं, ऐसे इस प्रकार से उतार लेना है। और उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से डीजल से पहले वॉश कर लेना है। डीजल से वॉश करने के बाद वापस आप बूट लगाना, तो बूट लगाने का पूरा प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा। बूट लगाने के लिए इस तरफ का जो ये है पार्ट से इसको हमें खोलना पड़ेगा, तो खोलने के लिए हमें क्लिप सारे उतारने पड़ेंगे इसके, तो मैं क्लिप उतार के आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से जूनियन क्लिप है, इसको रखे आप। दोस्तों एक्सेल के इनर साइड के कप को निकालने के लिए इसके अंदर आपको एक दिख रहा होगा, तो मैं अगर दिखा रहा हूं, एक रिंग है, पूरा एक चूड़ी के जैसा रिंग होता है। इस रिंग को हमें निकालना होता है, तो पेचकस की मतलब से जैसे आपको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा, और निकालने के बाद इसको बाहर ले लेना है। बाहर लेंगे तो अपने आप ये एक्सेल यहाँ से ज्वाइंट में से अलग हो जाएगा। तो एक नजर में आपको दिखा देता हूं, अगर हमारा कैमरा जूम कर पाए तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग को हमें हटा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक रिंग होता है, ये इस रिंग को बाहर नहीं लेना है, बाहर लेंगे तो वही ज्वाइंट में से अपने आप यहां से अलग हो जाएगा। तो मैं आपको अलग भी करके दिखाता हूं, ये दोनों अलग हो गया। इसके बाद इसको हम पहले डीजल से वॉश करेंगे, इसके बाद इसको भी हमें उतारना है। इसके बाद दोस्तों इस सिर क्लिप को आपको सिर क्लिप प्लस की मदद से आपको खोल लेना है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों कुछ है नहीं, इस प्रकार से हटा लेना है, और ऐसे ही इसको आप निकाल लोगे, और इसको बाद में अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो सिर क्लिप, सिर क्लिप को निकालने के लिए इसको वॉश करवाया था मैंने, और उसके बाद ये सारे जो बूट है इसको हमें निकाल के फेंक देना है, क्योंकि इसमें अब कुछ रहा नहीं है। इसके बाद ऐसा लगे तो इसको आप काट के भी निकाल सकते हैं, तो मैं इसको काट दूंगा। तो दोस्तों डीजल और पेट्रोल से साफ करने के बाद एक्सेल आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी साफ हो गया। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो वाला हिस्सा है जो हमारा व्हील के तरफ में आता है और ये बाहर नहीं निकलता है, ये फिक्स होता है, उसको ऐसे ही साफ करना पड़ता है। और ये जो है पूरा खुल जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं पूरा क्लीन कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे बारिश आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी शुरू हो गई है। तो दोस्तों गुजरात में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, हर एक दिन छोड़ के एक दिन आई जाती है। तो दोस्तों बूट दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, आप फर्क देख सकते हैं दोनों में। तो जो छोटा है वो हमारी आउटर साइड यानी कि जो व्हील के तरफ आता है इसमें बैठेगा, और जो बड़ा है वो हमारी इंजन के साइड में, डिप्रेशन के साइड में जो ये कप लगता है इस पर बैठेगा, एक कप पे ऊपर। तो सिंपल है, बड़ा बड़े में लगेगा, छोटा छोटे में लगेगा। तो चलिए अभी इसको ऑयल लगाने के बाद लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है ताकि
जी बिल्कुल, अभी क्या है कि इसको पेट्रोल से डीजल से साफ किया था तो इसके ऊपर कुछ अभी लुब्रिकेट बचा ही नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसमें 90 नंबर का ऑयल डाल देंगे तो ये थोड़ा इजीली हो जाएगा। और इसको बाद में थोड़ा सा आप हाथ से रोटेट कर लें, इसके बाद इसमें पहले ग्रीस लगा लेना है। तो ग्रीस आप देख सकते हैं कोई भी अच्छी क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ग्रीस बिल्कुल पतला होना चाहिए, ज़्यादा झाड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं विडोल का यूज़ करता हूँ इसमें AP3। और इसको अच्छी तरह से अंदर भर लेना है। तो दोस्तों कप के अंदर ग्रीस अच्छी तरह से हमने भर लिया, और इतना ग्रीस इसमें रखना है, ज़्यादा भी ग्रीस इसमें नहीं रखना है ताकि इसमें से बाहर कप को तोड़ के निकल जाए। और ये जो कप का जो ऊपर का सिरा है इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा अंदर ऑयल लगा लेना है, ये सिर्फ ऊपर के भाग में ही अंदर की साइड में, ताकि एक्सल पे आराम से बैठ जाए। और एक्सल के ऊपर भी थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि इसका बूट जो है आराम से इसके ऊपर आ जाए। तो दोस्तों ये छोटा बूट है जैसे मैंने आपको बताया था, और इस प्रकार से इसमें अच्छी तरीके से बिठा लेना है, आराम से बैठ जाता है। इसके बाद एक क्लिप और एक क्लिप को लगा लेना है, और एक्स्ट्रा एक क्लिप इसमें डाल देना है ताकि इसमें बूट बैठेगा तो फिर इसमें क्लिप नहीं जाएगा। ये जो छोटा वाला क्लिप है एक्स्ट्रा, इसमें एक तो हमें डालना ही डालना है, इसके साथ एक और डाल देना है ताकि इसका जो यहाँ पे बूट आएगा इसके बाद में ये जाएगा नहीं, क्योंकि फोल्डिंग नहीं है, वेल्ड होता है। फिर आपको ये भूल जाऊंगे तो ये टाई वाला लगाना पड़ेगा, केबल वाला, तो ये पहले रख देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लिप लगा लेना है दोनों तरफ का, तो ये आगे का लगा लिया है और अभी पीछे का लगाएंगे। तो दोस्तों इसका बूट भी लगा दिया है और दोनों क्लिप भी लगा दिया है। और क्लिप लगाने में आपको खास ध्यान रखना है कि जो ये बूट का जो किनारी है ये, तो ये जो खांच वाला जो भाग है बूट का, ये बिल्कुल इसके बीच में आना चाहिए ताकि जो हमारा क्लिप है इसके अंदर बिल्कुल इस प्रकार से अंदर फंस जाए, ताकि बूट तो इसमें लॉक हो जाए तो बूट आगे पीछे नहीं होगा और इसमें ही अटका रहेगा। तो इस प्रकार से बूट में लगाना है और इसके बाद क्लिप इसमें लगा देना है। और दोस्तों खास ध्यान रखना है कि जो एक्सल है इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं खांच बनी है, तो एक खांच के पास ही बिल्कुल किनारे में रहना चाहिए ताकि आपका क्लिप जो है उसमें खांचे में अंदर बैठ जाएगा और बूट यहाँ से आगे पीछे नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ये बॉल बोरिंग वाला जो हमारा गोट है वो लगाना है, तो आपको ध्यान रखना है गोट लगाने वक्त इसमें जो खांचा वाला भाग है ये आप देख सकते हैं इसमें उंगली जितना खांचा है, तो ये खांचा वाला भाग जो है ये बाहर रहेगा और ये जो फेस टू फेस है ये एक्सल की तरफ रहेगा, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार से इसमें फिट होगा आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें खांचा वाला हिस्सा है बाहर रहेगा और जो बिल्कुल फेस टू फेस है वो अंदर जाएगा। तो इसको लगाने से पहले इसमें हल्का सा ऑयल लगा ले ताकि आसानी से बैठ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें आपको फंसा लेना है, और जैसे ही फंसेगा तो ये अपने आप वहां पे ठहर जाएगा। उसके बाद यहाँ का इसका जो लॉक है इसका सिर क्लिप वो हमें इसमें लगा देना है। तो सिर क्लिप के लिए आपको एक प्लस चाहिएगा, इसके बाद दोस्तों इसमें इसे बिठा लेना है। तो ये एक्सल का जो बॉल बेरिंग वाला हिस्सा है वो लग गया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हल्का सा,
ज़्यादा नहीं लगाना ताकि ग्रीस में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमें पहले ग्रीस लगा लेना है कप के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके अंदर ग्रीस लगा लेना है और इसके बाद इसमें भी थोड़ा बहुत ग्रीस लगा लेना है और इसको आसानी से इसके अंदर और इसके बाद फिर इसमें अंदर ग्रीस यहाँ पे भर लेना है थोड़ा बाहर रखने के बाद। और इसमें क्लिप जो है वो इसमें इसका लॉक जो होता है ये वाला लॉक लगाना मत भूलना और इसको हाथ से ही लग जाता है, जैसे आप करके अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अपने आप अंदर बैठ जाएगा। तो अभी इसमें ग्रीस भर देते हैं, इसके बाद आपको लगा के खाते। तो दोस्तों ये क्लिप इसके बाद इसके अंदर लगा लेना है। तो आपको क्लिप लगाने में तो कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं है, आप ऐसे आसानी से अंदर हाथ से लगा सकते हो। तो दोस्तों रिंग लगाने के बाद बूट को आपको इसके ऊपर चढ़ा देना है और इसके ऊपर जो ग्रीस लग गया है इसको आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लिप लगाने के बाद ऐसे फिर इसको प्लस से तो दोस्तों बूट लगने के बाद ये एक्सल अभी बिल्कुल कंप्लीट है। तो अभी इसको हम लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो लगाने में दोस्तों कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसके हब में पहले जो ये इसका हिस्सा है घिसी वाला ये इसमें बिठा लेना है। तो बिठाने में क्या करना है कि एक्सल को हमें पीछे इस तरफ से सीधे नीचे ऐसे जाने देना है और इस प्रकार से जाने देने के बाद यहाँ से ऊपर ले लेना है। और ऊपर लेने के बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें लगा लेना है और इसके बाद दोस्तों इसको कप को पीछे करने के बाद इसमें यहाँ पे वापस थोड़ा सा घुमाने के बाद ऊपर भी लगा लेना है। तो दोस्तों एक्सल का कप बिल्कुल डिप्रेशन में बैठ गया है और इसको कैसे मैंने बिठाया है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से कोई भी छड़ आपको लेना है और बिल्कुल यहाँ से इसको धकेलना है, ऐसे धकेलेंगे। अगर आपको हाथ से लग रहा है कि ज़्यादा है तो इसको आप हैमर से भी लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद ये सारे जो हमने खोले थे स्टीयरिंग बोल्ट जॉइंट के ये सब लगा लेने हैं यहाँ पे वापस। और इसके बाद सस्पेंशन के सारे बोल्ट लगा देने के बाद विल्को लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप खुद भी घर पर अपने हाथों से एक्सल के बूट चेंज कर सकते हैं। और मैं भी कोई पैसे से मैकेनिक नहीं हुआ तो आप जानते ही है। तो इस प्रकार से आप खुद भी घर पर अपने हाथों से काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।